हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। भाई लोग, मैविस 350, मैविस 200 एंड मैविस 10, तीनों शटल कॉक्स मैंने यूज़ किए। मैं तीनों के साथ खेला भी हूँ, आउटडोर में भी खेला और मैंने इंडोर में भी खेला है। मुझे तीनों शटल कॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है अपने अपने चीज़ों में। थोड़ी बनावट अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे। कॉक अलग है, स्कर्ट अलग है, कहाँ पे किस तरह का ड्रॉप आपको फील होता है, किस तरह की पावर आप लोग को फील होती है वाले शटल कॉक्स के साथ, वो भी हम आज के वीडियो में देखने वाले। कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू एंड कंप्लीट डिटेल्ड कंपैरिजन होने वाला है ये वाले वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, यू गाइस नो द ड्रिल एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो अपन डब्बे साइड में कर देते, पहली शुरुआत तो उसी से हो जानी चाहिए। पहले अपन डब्बे साइड में कर देते, ये है मैविस 10, ठीक है। अब मैविस 10 को अगर हम लोग थोड़ा क्लोजली देखें तो इसके अंदर जो शटल है वो तो भाई सही है, बनी हुई नहीं अच्छी है, थोड़ा सा वेट है शटल के अंदर। लेकिन जो इसकी स्कर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी तो नहीं लेकिन हाँ थिकनेस आपको फील हो जाती है वंस यू टच द शटल। और जो इसका कॉक है वो रिसाइकल्ड कॉक है और ये है भी ग्रीन कैप वाली। तो भाई इंडिया में मोस्टली सब ग्रीन कैप वाले ही मिलते हैं जो कि वार्म कंडीशंस में यूज़ की जाती है। ब्लू कैप वाले जो होते हैं दीज आर फॉर नॉर्मल कंडीशंस। अब अपने यहाँ यही वाली मिलती है। तो इसकी स्कर्ट थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी थिक है। वेयर एज अगर हम 200 आई देखें तो 200 आई थोड़ी सी लाइट वेट फील हो जाती है हाथ में। अब इसकी जो स्कर्ट है वो थोड़ी सी पतली, थोड़ी तो नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पतली है कंपेरेटिवली टू मैविस 10। और ये पतली भी है एंड इसका कॉक भी जो है वो भी वो जो रिसाइकल्ड वाला कॉक होता है उसी तरह फील होता है। योनिक्स की ब्रांडिंग भी दोनों जगह आप लोग को देखने मिल जाती है, देख लो यहाँ पे। एंड बेसिकली जो टेप का भी एक जो विजुअल बनाया है यहाँ पे वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। एंड दिस इज़ द मैविस 350 विच इज़ अ रियली गुड शटल कॉक। आई मीन तारीफ जितनी करो उतनी कम है फॉर द प्राइस पॉइंट दैट इट कम्स इन, वी विल डिस्कस दैट लेटर। अंदर एक स्टिकर मिल जाता है आपको योनिक्स का। इसकी जो शटल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है एंड इसकी जो स्कर्ट भी है उसकी भी बहुत जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। आई मीन थोड़ी सी थिक है, थोड़ी सी थिन भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी है ना, यू गाइस कैन फील इट इन योर हैंड्स कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे एक टेप मिल जाता है आपको ग्रीन कलर का और जो कॉक है इसका वो वुडन वाला आप लोगों को ये वाले शटल के अंदर मिल जाता है। तो बेसिकली कैसे है कि ये वाले शटल के अंदर आपको स्कर्ट मोटी मिलती है इसके अंदर और 200 आई में स्कर्ट पतली मिलती है और इसके अंदर यू गेट द बेस्ट स्कर्ट आउट ऑफ ऑल द टू। आई मीन मैविस 10 और मैविस 200 आई में इसकी स्कर्ट सबसे ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी वाइज भी और थिकनेस वाइज भी। अभी मैं थोड़ा वेट के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। वेट तो कैसे स्कर्ट के वेट से होते हैं बट कॉक का वेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैविस 350 का आई थिंक वेट सबसे ज़्यादा है कंपेरेटिवली, अगर 200 हाई बींग द वेरी लाइटेस्ट, एटलीस्ट इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इट्स द लाइटेस्ट शटल बिटवीन ऑल द थ्री। और ये थोड़ी सी मीडियम में आ जाती है जो कि मैविस 10 है, ये थोड़ा सा मीडियम में आ जाती है, इतनी ज़्यादा हल्की भी नहीं और इतनी ज़्यादा भारी भी नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैविस 350 ज़्यादा बेटर है। ये इनके डब्बे हैं, मैविस 10 का ये वाला डब्बा आप लोग डब्बा देख सकते हो। अगर आई मीन डब्बा देखना भी इंपॉर्टेंट होता है यार, डब्बे में भी काफ़ी सारी चीज़ होती है। आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 शटल्स मिल जाती है इन ईच डब्बा। ये 350 का डब्बा है जिसके अंदर ये वाली शटल है, इसके अंदर भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 शटल्स मिल जाती है। एंड 200 आई में भी आपको जो कि ये वाली है इसके अंदर भी आपको 6 शटल्स देखने को मिल जाती है। अब दूसरी चीज़ जो हमें इसके अंदर एक्चुअली देखनी है कि जो वेट है, स्कर्ट है, कॉक है, अब इसका गेम के अंदर कैसे असर पड़ता है और वहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये सारी चीज़ें। अब एक थोड़ा मिनी बैडमिंटन कोर्ट बना दिया मैंने मेरा लैपटॉप के ऊपर, शटल कॉक का डब्बा रख लिया ताकि दिस एक्ट्स एज अ नेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ड्रॉप। अब ये वाली जो शटल है मेरे हाथ में दिस इज़ दी 200 आई। अब 200 आई जब गिरेगी ना तो थोड़ा सा स्लांट जो मोशन है ना इसका वो थोड़ा ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ड्रॉप इसका उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। अगर आप सपोज ड्रॉप देते हो तो गिरने यहाँ गिरने के बजाय एग्जैक्ट ये थोड़ा सा ऐसे आगे गिरेगी, ठीक है। नाउ अगर हम मैविस 10 लेते हैं, ये वाली मैविस 10 है जिसकी स्कर्ट थोड़ी सी ज़्यादा थिक है, तो अगर आप इसको ड्रॉप देते हो तो ये उतना स्लांट नहीं जाएगा, ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा और थोड़ा जो आपका ड्रॉप है वो क्लोज टू द नेट रहेगा। लेकिन वहीं मैं अगर मैविस 350 की बात करूँ तो मैविस 350 का ड्रॉप प्रॉपर एकदम कट टू कट नेट ही जाएगा। दैट मीन्स मैविस 350 इज द मोस्ट एक्यूरेट वन, मैविस 10 इज द लीस्ट एक्यूरेट आफ्टर 350 एंड द लास्ट वन इज मैविस 200 है। तो मैविस 200 है इज द लीस्ट एक्यूरेट। मैं आप लोग को एक और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये मैविस 200 आया है और ये मैविस 10 है, ठीक है। अब जैसे ही दोनों शटल कॉक्स को अगर मैं ड्रॉप देता हूँ तो मैविस 200 आए थोड़ी सी आगे गिरेगा और मैविस 10 थोड़ा सा आगे गिरेगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा और जबकि दोनों यहाँ अगर इस तरह से गिरती है तो ये रही इनकी लास्ट मूवमेंट्स। और वही 350 को अगर मैं ले आऊँ तो 350 जो है वो थोड़ा सा क्लोज गिरेगी यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत जो है ना वो ड्रॉप का फ़र्क हो जाता है क्योंकि एक्यूरेसी 350 की सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ द कॉक एंड द
बिकॉज वुडन कॉक है, इसलिए थोड़ा सा क्या वेट ज़्यादा पड़ जाता है, तो जो ग्रेविटी खींचती है ना शटल कॉक को, तो ये ज़्यादा जल्दी नीचे पुल होता है कंपेरेटिवली टू दिस, क्योंकि इनके भाई रिसाइकल्ड कॉक्स हैं और वेट में भी थोड़े बहुत लाइट है, ये वाला थोड़ा सा कॉक भारी है, तो कॉक जो ग्रेविटी के साथ जो अफेक्ट होता है वो थोड़ा सा जल्दी नीचे गिरता है। अब जब तीनों शटल कॉक्स को आप यूज़ करते हो, जब आप आउटडोर में खेलते हो स्पेसिफिकली स्पीकिंग, तो मैविस 200 आई को मारने के लिए सबसे ज़्यादा दम लगता है, क्योंकि भाई हल्की है, तो अगर विंड के थ्रू जाना है उसको टू ट्रैवल देयर, तो आपको इसमें ज़्यादा पावर लगेगी। इसके अंदर मैविस 10 के अंदर आपको इतनी ज़्यादा पावर नहीं लगेगी, ईजिली ट्रैवल करेगी, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी वही है कि आउट ऑफ द कोर्ट ना चली जाए। एंड मैविस 350 इज़ द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द थ्री वे टॉकिंग, ये आराम से चली जाएगी, थोड़ा टच भी दोगे ना, जैसे कि मैंने आप लोग को एक्यूरेसी की बात की थी, यहाँ पे भी वही हो जाता है, शॉर्ट्स में भी एक्यूरेटली यही चल जाती है, थोड़ा सा भी अगर आप टच करोगे, क्योंकि शर्ट का जो कॉक है ना वो हैवी है, ठीक है, इन लोगों का इतना हैवी नहीं है, तो ये आराम से ट्रैवल होकर चली जाएगी, तो उसका आपको इतना फ़र्क नहीं है। बट अगर ज़्यादा ज़ोर से मारोगे तो देर आर चांसेस कि मैविस 10 और मैविस 350 दोनों बाहर जा सकती है आउट ऑफ द कोर्ट, वेरस 200 आई जो है वो थोड़े कम चांसेस है, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ पावर टू हिट इट आउटसाइड द कोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस पॉइंट्स जिसमें आप लोगों को ये तीनों शटल कॉक मिल जाते हैं। मैविस 10 जो आपको मिल जाता है वो आपको मिलता है 634 रुपीज़ का कुछ अभी मिल जाता है, तो भाई वो ठीक हो जाता है, एक तरह से आप देखो तो 6 का पैकेट आता है, एक शटल कुछ हो गए 104-106 रुपये की, तो वन शटल विल कॉस्ट यू अराउंड 104-106 रुपीज़, वेर एज मैविस 200 आई कम्स ओनली इन 399, जो कि 6 शटल कॉक मिल जाती है 400 रुपये में, तो वो हिसाब लगाने जाओ तो 66 रुपीज़ की कुछ एक शटल कॉक मिल जाती है। और फिर आप देखो तो मैविस 350 थोड़ा महंगा मिल जाता है, जो कि 1040 रुपीज़ में मिल जाती है, तो वैसे आप लोग देखो तो एक शटल 171 रुपीज़ की हो जाती है, तो कैसे जो इनकी प्राइस पॉइंट है ना वो उनके ड्यूरेबिलिटी को प्रॉपरली जस्टिफाई करती है। सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल 350 है, उसके सेकेंड नगर पर हम लोग अगर देखेंगे तो 200 आई नहीं 10 है, तो हम लोग इसको स्विच कर लेते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, एंड देन द लास्ट वन इज 200 आई, तो आप लोग ऐसे समझो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज़ हाउ द हायरार्की ऑफ द कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, दिस इज़ हाउ इट गोज, क्योंकि भाई देखो इसकी बनावट थोड़ी बेटर है, कॉक वुडन दिया गया है तो सॉर्टेड है, तो इसका प्राइस पॉइंट जस्टिफाइड है कि इतनी महंगी जा रही, क्योंकि ड्यूरेबल भी उतनी होगी। सपोज अगर आप इसके साथ 3 गेम खेलते हो तो 3 गेम प्रॉपर चल जाएगी, शायद 5वें गेम पे ख़राब होने लग जाए, पर अगर आप इसके साथ 3 गेम खेलते हो तो ये शायद 3rd गेम पे ख़राब होनी स्टार्ट हो जाए, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लेकिन अगर आप इसके साथ 3 गेम खेलते हो तो ये शायद दूसरी गेम में ख़राब होनी चालू हो जाए, तो आउट ऑफ द 3 द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग लास्टिंग लॉन्जिटिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो 350 है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैविस 10 भी अगर आप लोग सोच रहे हो क्यों, क्योंकि इसका स्कर्ट थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा वेट आ जाता है इसके अंदर, तो थोड़ा सा क्वालिटी जो है ना वो बेटर हो जाती है। अब मैंने एक एक शटल कॉक ऐड कर दिए 350 में से, मैंने एक यूज्ड 350 निकाली, मैविस 10 में मेरे पास कोई यूज़ नहीं है सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी समझा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, मैविस 200 आई में भी करती। अब डब्बे हटाओ सबसे पहले, तो डब्बे बड़े डिस्ट्रैक्टिंग है। नाउ लेट्स कम ओवर हियर एंड सी क्या बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो मैविस 200 है ना, अगर ये खेली हुई है काफ़ी, दिस इज़ वॉट वी यूज़ इन द सोसाइटी एज वेल, काफ़ी ज़्यादा यूज हो गई है ये, ठीक है, तो इसका तो कॉक ख़त्म हो गया पहले बात, तो स्कर्ट भी इसकी पूरी तरह फट गई है, यहाँ पे आप लोग देखो तो फर्स्ट चीज़ एक्चुअली जो इसके अंदर प्रॉब्लम होती है ना वो इसका कॉक भी नहीं है, वो इसकी स्कर्ट हो जाती है मैविस 200 आई की, क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ तो आई नो। मैविस 10 में क्या होगा ना मैं आपको बताता हूँ, मैविस 10 में स्कर्ट रहेगी, स्कर्ट इतनी जल्दी नहीं फटेगी, लेकिन कॉक है ना वो थोड़ा इस तरह से होने लग जाएगा धीरे धीरे। अब मैविस 200 आई में उल्टा हो रहा है, यानी कि स्कर्ट पहले फट रही है फिर कॉक के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, पर इसके अंदर उल्टा हो गया, इसके अंदर स्कर्ट बिल्कुल नहीं फटेगी लेकिन कॉक थोड़ा फटना चालू हो जाएगा। और 350 के अंदर तो भाई सबको टिका हुआ है फिलहाल, तो अभी इसकी भी थोड़ी बहुत स्कर्ट फट गई है यहाँ से, बट आई थिंक इसकी भी थोड़ी जो पहली चीज़ अफेक्ट होगी ना वो इसकी स्कर्ट ही होगी, क्योंकि इसका वुडन कॉक है, तो वुडन कॉक काफ़ी टाइम के लिए चल जाता है, थोड़ा यू कैन सी द मार्क्स ओवर हियर, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत मार्क्स है, तो वो सब ठीक है, ये काफ़ी टाइम चल जाएगा कॉक, लेकिन स्कर्ट फटनी चालू हो जाएगी। सो आई थिंक दी ओनली थिंग ये लोगों के बीच में सिर्फ यही है कि यार थोड़ी बहुत ड्यूरेबिलिटी का फ़र्क है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड द वे दे आर मेड फॉर, बाकी इतना ज़्यादा कोई डिफरेंसेस टू बी ऑनेस्ट अगर हम देखें तो इतना है नहीं, इट्स जस्ट दैट वेरी सिंपल थिंग्स आर यू नो वेरी सिंपल थिंग्स डिफरेंशिएट दीज शटल कॉक्स, एक तो बनावट हो जाती है जिस तरह की लॉन्जिटिविटी के लिए हिसाब से इन्होंने बनाया है, और एक तो हो जाती है ड्यूरेबिलिटी, जो कि नॉर्मली जैसे जो भी शटल कॉक्स इंडोर में खेलना चाहते हैं या आउटडोर में आप खेलना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, तो कैसे है ना कि आपको आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए बिफोर यू गो एंड बाय दी शटल कॉक्स। सो टू कंक्लूड द वीडियो पीपल, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, भाई सब कुछ सॉर्ट है, सब कुछ सेट है, इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं, फ़र्क है
लेकिन वो आपके खेलने के ऊपर भी डिपेंड करता है। थोड़ा बिगिनरिश टाइप पे हो 200 आई ले लेना, बिगिनरिश टाइप से थोड़ा बिगिनर हो गए हो तो 10 यूज़ कर लेना, और थोड़ा बिगिनर से थोड़ा आगे अगर थोड़ा बढ़ रहे हो तो मैविस 350 यूज़ कर लेना। आउटडोर में यूज़ करो तीनों, बेटर है ये। वैसे आउटडोर शटल्स में ही ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, इंडोर में तो आपको इससे अच्छी और बेटर शटल कॉक्स मिल जाती है ऑनिक्स में, बट देन प्राइस पॉइंट भी उसके थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट वैसे ही करता है। इंडोर में भी अगर आप लोग देखोगे तो भाई आई थिंक 200 आई ही विल बी द लीस्ट परफॉर्मर एंड 350 वही सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी एंड 10 विल बी द मिड रेंज ऑफ अमंग दीज थ्री। सो आई थिंक येस वी शुड कंक्लूड द वीडियो हियर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा, रिव्यू करके बता दिया, कंपेयर भी कर दी तीनों चीज़ें, मूवमेंट सिखा दिया आप लोगों को, हर चीज़ सिखा दी मैंने। आई होप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, यू गाइस नो कितना ज़रूरी है आप लोगों का सब्सक्राइब करना। लाइक क्या करो, शेयर क्या करो, इंस्टाग्राम पे भी DM कर दिया करो यार, वहाँ पे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, बात करता रहता हूँ सबसे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। आई एम ऑलवेज रेडी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू गाइज, आई ऑल्सो कीप हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू गाइज एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।